बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिन तलबा व तालबात ने अपना पेपर रीचेक करने की ख्वाहिश जाहिर की है या वो करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ हदायात ऑफिशियली अनाउंस की हुई हैं। आइए मैं हम इसको रीड करते हैं। ज़रूरी हदायात बराए री चेकिंग जवाबी कापियाँ कापियाँ जवाबी कापी कापियां देखने का वक्त सुबह 9 ता दोपहर 1 बजे तक होगा। उसके बाद जी री चेकिंग फॉर्म रिज़ल्ट आउट होने के बाद 30 दिन के अंदर ही जमा हो सकता है। मुकर्रर तारीख के बाद या फीस के बगैर री चेकिंग फॉर्म काबिल कबूल ना होगा। उसके बाद है जी, उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि री चेकिंग फॉर्म के साथ रिज़ल्ट कार्ड की कापी लफ करें। उसके बाद है जी, फ़ी पर्चा थ्योरी इस्लामियात मुताला पाकिस्तान लाजमी या ABCD मुकर्रा सिंगल फ़ीस में ही शामिल होंगे। असल फ़ीस चलान री चेकिंग फॉर्म सफ़ा नंबर 3 पर बनाए गए खाना में चिस्पा करें और चलान की एक अदद फ़ोटो कापी अपने पास रखें। फ़ीस रिफ़ंड फॉर्म के साथ तब्दीली का लेटर और चलान की फ़ोटो कापी भी जमा करवाना होगी। री चेकिंग फ़ीस किसी भी शहर में हबीब बैंक या यूनाइटेड बैंक की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। उससे अगला पॉइंट है जी, कवानीन के मुताबिक री चेकिंग में दर्ज ज़ेल अमूर की पड़ताल होगी। इसमें पहला पॉइंट है जी, जवाबी कापी में हल शुदा तमाम सवालात या अज़ा को नंबर लगाए गए हैं, पड़ताल सवालिया पर्चा के मुताबिक ही होगी। कॉपी के अंदर, ये दूसरा पॉइंट है, कॉपी के अंदर सवालात को दिए गए नंबर सही तौर पर कॉपी के सर्वर पर दर्ज किए गए हैं। 3 नंबर पर है जी, कॉपी के सर्वर पर दर्ज नंबरों का टोटल सही है। चौथा पॉइंट है जी, रिज़ल्ट में नंबर जवाबी कॉपी के मुताबिक शुमार किए गए हैं। इस पड़ताल री चेकिंग में सवालों को दोबारा नंबर लगवाने, रीमार्किंग, री एवेल्यूएशन की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुमतहिन की मार्किंग चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी जवाबी कार्रवाई में नंबरों की तब्दीली साबित होने की सूरत में इस मजमून की अदाशुदा फ़ीस वापस ली जा सकती है और इसके लिए फ़ीस रिफ़ंड फॉर्म 1 माह के अंदर जमा करवाना होगा। सिर्फ उम्मीदवार अपनी जवाबी कापी देख सकता है या देख सकती है। जवाबी कापी या कापियां दफ्तर का जवाबी लेटर जारी होने के बाद 1 माह तक देखी जा सकती हैं। अच्छा जी, उससे आगे वो कह रहा जी, कापी या कापियां देखने के लिए अलग लेटर नहीं लिखा जाएगा। री चेकिंग फॉर्म जमा करवाने के दौरान अगर किसी उम्मीदवार की जवाबी कापी या कापियां गुम हो जाएं तो इस सूरत में उसे यूनिवर्सिटी कानून के मुताबिक कोई औसत नंबर या इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे और ना ही अगले इम्तिहान में शामिल होने के लिए फ़ीस मुआफ़ की जाएगी। यूनिवर्सिटी इसे सिर्फ अवार्ड लिस्ट दिखाने की पाबंद होगी। ताहम री चेकिंग फ़ीस मुजवजा तरीके के मुताबिक वापस की जाएगी। मज़कूरा बाला हदायात को उम्मीदवार गौर से पढ़ लें। अगर कोई उम्मीदवार अपनी मसरूफियात के बाइस मुकर्रर वक्त में अपनी जवाबी कापी या कापियां देखने नहीं आता तो दफ्तर जिम्मेदार ना होगा। नीचे नोट में लिखा हुआ जी, बैरून मुल्क से इम्तहान देने वाले पाकिस्तानी उम्मीदवार री चेकिंग के लिए फ़ी पर्चा $50 फ़ीस जमा करवाएंगे। ये सारी तफसील जो थी जी, ज़रूरी हदायात बराए री चेकिंग जवाबी कापियाँ कापियों के लिए थी। इसके बारे में कोई आप लोगों को कोई क्यूरी है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।